गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, आज का व्लॉग स्टार्ट किए और आज है 29th of Jan और यहाँ पर मेरी नंद के घर आए हुए थे इवनिंग के टाइम। और यहाँ पर बच्चे देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो पर की करे छो गोचोल करे छो हमें बोले उन्हीं बच्चे सावर को अच्छी उनकी गोसल बोले छे उन्हीं सावर को अच्छी उन्हीं गोसल को अच्छे आज के व्लॉग में मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक क्या क्या कुकिंग की है वो आज आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आज घर पर ही थे। कुछ खास काम नहीं था, डेली एवरीडे का रूटीन था, तो वही सब किए जो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग भी सेम ही करते होंगे मेरे तरह, तो आज देखते रहिए पूरा व्लॉग को। अभी मॉर्निंग में देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है और जिदान को रेडी करके स्कूल भेज दिए। जिदन स्कूल चला गया एंड स्कूल जाने के बाद देखिए मेरा रोटी भी कंप्लीट हो गया है। और अभी आज बना रहे हैं भुजिया, और भुजिया बनाने के लिए देखिए ये मेरा अनियन और ग्रीन चिलीज, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। एंड फ्राई करने के बाद यहाँ पर देखिए दिखाते हैं, यहाँ देखिए कैप्सिकम एंड टोमेटोज, इसको भी ऐड कर देंगे। आज थोड़ा भुजिया बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। तो यहाँ मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है अनियन। अब कैप्सिकम ऐड कर देंगे, और कैप्सिकम जैसे ही फ्राई हो जाएगा उसके बाद टोमेटोज भी ऐड करेंगे। अब देखिए टोमेटोज ऐड कर दिए, अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पर 2 eggs लिए, अब इस eggs को ऐड कर देंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करना है वेजिटेबल्स को एग्स के साथ। देखिए हो गया भुजिया रेडी। भुजिया मेरा रेडी हो गया है। और कल चले गए थे हम लोग नंद के घर, वहाँ पर इनविटेशन था, एक्चुअली लंच वही करना था, तो मेरा सारा राइस एक्चुअली बच गया था। तो बचा हुआ जो राइस है, लेफ्ट ओवर राइस को देखिए उसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, तो अच्छा भी लगता है ऐसे खाने में। तो उसके लिए मेरा अनियन देखिए फ्राई हो रहा है। अनियन देखिए मेरा फ्राई हो गया है। अब कैप्सिकम एंड टोमेटोज ऐड कर देंगे। देखिए वेजिटेबल फ्राई हो गया है अच्छी तरह से। अब थोड़ा थोड़ा करके राइस मिक्स करते जाएंगे। लेफ्ट ओवर राइस को इस तरीके से अगर फ्राई कर लेते हैं तो एकदम फ्राइड राइस की तरह लगता है। और हम लोग सर्व कर सकते हैं गरम गरम भुजिया के साथ, या हम लोग मीट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए हो गया है रेडी।
और यहाँ पर आज देखिए हस्बैंड इतना सारा वेजिटेबल्स लेकर के आ गए, और यहाँ पर देखिए पीज है, ये पीज कौके चीज नहीं है छो, ये तो एक ही चीज। और यहाँ पर देखिए कितना सारा वेजिटेबल्स है, बाबा कत की तुम जा पे सब नहीं चले ना कि और यहाँ पर कीमा बना के लेके आए, तो आज कीमा बनेगा। यहाँ पर चाय रेडी हो रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, अब चाय भी रेडी हो रहा है। देखिए मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया है, अभी हस्बैंड का कंटिन्यू चल रहा है, ये उनका स्पेशल नाश्ता है, देखिए चाय के साथ पराठा, ये उनका स्टाइल है खाने का। ये ईजान ब्रेकफास्ट कर रहा है मोबाइल देखते हुए। ईजान तुम्हें मोबाइल देखे देखे ब्रेकफास्ट कर बे, अब बोलते हूँ मोबाइल देखते देखते ब्रेकफास्ट कर बे। वेजिटेबल्स मेरा कट हो गया है, अब कीमा चढ़ाने वाले हैं, और कीमा चढ़ाने के बाद और एक वेजिटेबल्स बनाएंगे, तो आज का कुकिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर कीमा के लिए देखिए अनियन फ्राई हो गया है, आप कीमा मिक्स कर देंगे। बहुत सारे कीमा पसंद नहीं करते, बट मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है कीमा, और कीमा में अगर पोटैटो उसके बाद पीज एंड टोमेटो सारा मिक्स रहे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए ये कीमा है, देखिए धीरे धीरे करके मीट का कलर चेंज हो रहा है, और जैसे ही चेंज हो जाएगा एक एक करके मसाला ऐड कर देंगे। देखिए अब मीट में अदरक लहसुन का पेस्ट एंड हल्दी पाउडर एंड चिली रेड चिली पाउडर और सॉल्ट सब डाल दिए, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसको। बोलिए तो मैंने मसाला अच्छी तरीके से भुनना हो गया है, अब जो पर देखिए पोटैटो टोमेटो एंड पीज है सारा एक साथ डाल देंगे। देखिए कीमा मेरा अच्छी तरह से भुनना हो गया है, अब देखिए पोटैटो पीज एंड टोमेटो सारा डाल दिए, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हो गया है मिक्स, अब थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। ताकि कीमा अच्छी तरीके से रेडी हो जाए, देखिए ये हो गया है, पानी डाल दिए, अब इसको कवर कर देंगे। हो गया कीमा रेडी, आज का कुकिंग का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। वैसे एक वेजिटेबल्स भी बना लिए थे, बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, क्योंकि नॉर्मल सब आते वेजिटेबल्स तो एवरीडे होता ही है सबके घर पे। और उसके बाद इधर आने के बाद फ्रेश कर देंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग लेकर आप लोग के सामने इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और यहाँ पर देखिए इवनिंग टाइम में ज़िदान अपने स्टडीज़ में बिजी है, मेरे ट्यूशन के बाद एकदम टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज ज़िदान का फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने ही वाला है, तो उसको लेकर थोड़ा सा बिजी रहना पड़ता है। तो दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए, और आप लोग भी अच्छे से रहिएगा। अल्लाह।